ये और सब गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि डायमंड कैसीनो से स्टैचू चुराने के बाद पुलिस ने हमें बहुत ही बुरी तरह चेस करा था और उसी के बीच चलती बाइक पर शॉट मार के लेस्टर को बीच हाईवे पर डाउन कर दिया था। अब यार देखो इस एक्सीडेंट के बाद ना मुझे तो नहीं लग रहा था कि लेस्टर जिंदा बचेगा, तो इसीलिए हम लोग लेस्टर को वहीं पर छोड़कर मैं चला गया था सीधा डगन बॉस के घर पर और जो स्टैचू चुराए थे वो ले जाकर उसको दे दिए और उसने माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन तीन लोग की फैमिलीज को वहां से छोड़ दिया था। अब यार देखो जब उसने छोड़ा ना तो साथ के साथ उसने ये बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है लेस्टर वो अभी मरा नहीं है, उसको मतलब कि ना पुलिस वाले एक एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। यही पता करने के लिए जैसे मैं लॉस सैंटोस पहुंचा तो अभी FIB वाले मेरे को नजर आ गए एक हॉस्पिटल में और वो लोग लेस्टर को वहां से लेकर चले गए सीधा कोर्ट में और वहां पर ले जाकर उसे 5 साल की सजा सुना दी। अब यार देखो लेसन हमारा बहुत पुराना जिगरी दोस्त है जिसने हमारी 100 से भी ज्यादा बारी मदद करी है, तो उसको हम लोग यूं ही नॉर्मली तो नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए हम तीनों ने ना मिलकर पूरा जी जान का जोर लगा दिया लेस्टर को बचाने के लिए। और जैसे ही हमें पता चला कि लेस्टर को प्रिजन ले जाने के लिए कुछ स्पेशल प्रिजन व्हीकल आ रहे हैं तभी हमारे दिमाग में एक बहुत तगड़ा प्लान आ गया। हमने क्या करा सीधा उसी जगह पर जाकर वाले प्रिजन व्हीकल सुरा लिए और उसके अंदर लेस्टर को हमने बैठाया और FIB ऑफिसर्स को मार के और पुलिस वालों को फिर एकदम चकमा देकर लेस्टर को बचाकर हम लोग इस जगह पर ले आए। अभी फिलहाल हम लोग इस पर सेफ तो है बट लेस्टर का भी कुछ पता भी नहीं है कि वो गाड़ी के अंदर है या फिर नहीं है। ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा है कि गाड़ी का जो पीछे वाला गेट है वो खोल दे बट ये गेट पता नहीं कैसा है भाई, इसके अंदर लॉक है ही नहीं, पता नहीं ये गेट कैसे खुलता है। अभी फिलहाल बैनी से कॉल पे बात हुई है तो बैनी कह रहा नहीं अब ये जो काम है ये मतलब ऐसा ओपन में नहीं हो पाएगा, इसको लेकर उसका जो मेन गैराज है वहां पर आ जाओ। तो चलो यार अभी ना जैसे जैसे करके हमें इस गाड़ी को वहां पर लेकर जाना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था किसी ना किसी तरीके से इस गाड़ी को छुपा लें बट ये है भी ट्रक इतना बड़ा कि किसी ट्रक के अंदर भी नहीं आ सकता, तो अभी ना नॉर्मली ही लेकर जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ के जो बंदे हैं मतलब ये ना थोड़ा अजीब सा एरिया, पुराने से लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इनसे कोई डरने की बात है नहीं, बट ना चलो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो, बाकी यार अगर कोई बड़ा सा ट्रक मिल जाता ना तो उसी ट्रक के अंदर हम लोग इस ट्रक को डाल लेते। तो गाइस यार ट्रक छोड़ो, मैं तो सोच रहा हूँ कि ना इसको ट्रेन पर से लेकर चलते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग रोड के रास्ते जाएंगे ना तो सीधी सी बात है पूरी की पूरी जगह पर बहुत तगड़ी चेकिंग हो रही होगी तो काम कभी भी खराब हो सकता है, बट अगर हम ट्रेन के थ्रू जाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो यार जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो। अभी फिलहाल एकदम शीशे भी इसके ब्लैक है ना तो ढंग से कुछ भी अंदर का नजर नहीं आ रहा है, बाकी पता नहीं इसका गेट कैसे लॉक हो रखा है पीछे वाला, मुझे नहीं पता कि बैनी भी इसे खोल पाएगा या फिर नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम तीनों लोग जो इस वाले ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं, पीछे वाला गेट नहीं खुल रहा था इसलिए फ्रैंकलिन भी अपने साथ आगे ही बैठ गया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपने ट्रक को लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अब यार देखो सबसे पहले ना हमें सीधा रेलवे ट्रैक पर जाना है, वहीं से हमें ट्रेन मिलने वाली है, तो भी जल्दी से अपने ट्रक को ना सबसे पहले मैं इस जगह से बाहर निकालता हूँ। बाकी यार ट्रेन तो आ गई है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वाली ट्रेन को जाने दो, इसके अगले वाली ट्रेन को हम लोग यहाँ से पकड़ लेंगे। बाकी यार ये जो जगह आप लोग देख ही पा रहे हो मतलब कितनी अजीब सी है, काफी ज्यादा बंदा यहाँ पर मतलब कि टेंट बनाकर आ रहा है, बट कोई नहीं ये लोग हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे ये वाली लकड़ी तोड़नी पड़ेगी और अभी फटाफट से अपने ट्रक को ना थोड़ा सा सुनसान एरिया पर लेकर चलते हैं जहाँ से हम लोग एकदम आराम से अपने ट्रक को ट्रेन के ऊपर लोड भी करा लें और किसी को पता भी ना चले और कोई दिक्कत भी ना आए। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जगह बढ़िया है बट राइट में ना एकदम हाईवे है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक काम करता हूँ यहाँ से ना थोड़ा आगे चलता हूँ, वहाँ पर चलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर सीधा पलेटो शहर से बाहर आ चुका हूँ और ये जो एरिया ये थोड़ा बहुत सुनसान सा है और मेरे हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेन हाईजैकिंग करते हैं या फिर ये जो अपना ट्रक है उसके ऊपर लोड कराते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलने वाला। बाकी यार अपनी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, मैं जस्ट यहाँ पर पहुँचा ही हूँ और सामने से ट्रेन आ भी गई है। तो चलो भाई ड्राइवर तो यहीं पर रुक, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इस ट्रेन को ऊपर चढ़ने की। तो चलो गाइस यार फाइनली तुम्हारा भाई एक ही बार में इसके ऊपर चढ़ गया, तो चलो यार अभी जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं और ये वाली जो ट्रेन है ना इसका जो मतलब मेन ड्राइवर है उसको सबसे पहले ना गाइस हमको मारना पड़ेगा, बेचारे को कुछ पता ही नहीं चला इधर हुआ क्या है, तो वो बैठा तेरी ऐसे जैसे निकल यहाँ से। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने उसका तो मत्था यहाँ पर फोड़ डाला है, अभी जल्दी से यहाँ पर एक बार हम लोग नीचे उतरते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा इंजन के अंदर। तो चलो गाइस यार फाइनली यहाँ पर मैं इंजन के अंदर आ चुका हूँ, तो अभी जल्दी से सबसे पहले ना इस वाली ट्रेन को यहाँ पर मैं रोक लेता हूँ और यहाँ पर जो मेन इसका ड्राइवर है ना इसको इसी के अंदर बैठे रहने दो, क्योंकि अगर मैं इसे नीचे फेंकूंगा तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, अगर ये इसके अंदर रहेगा तो वैसे ठीक है इसे बीच रास्ते में फेंक देंगे किसी को अपने ऊपर शक भी नहीं होगा। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी ट्रेन को पीछे लेकर चलते हैं। बाकी यार अभी ना मेरे को एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि आखिरकार अपने इंजन के मतलब कि जो अपनी ट्रेन है इसके डिब्बों पर मैं उस गाड़ी को कैसे रखूंगा, वो गाड़ी बहुत ज्यादा भारी है, टो ट्रक से भी वो काम नहीं हो पाएगा, बट कोई नहीं यार देखो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाएंगे इसको ऊपर रखने के लिए। तो चलो गाइस यार फाइनली यहां पर मैं अपनी ट्रेन को एकदम रिवर्स में लेकर आ चुका हूं, तो वो देखो
देखो सामने की तरफ में अपनी गाड़ी खड़ी है और साथ ही ट्रैवर वगैरह भी उधर खड़े हुए हैं। और इस टाइम पर ना गाइस यार मेरे दिमाग में एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया आया है कि आखिरकार हमें ना मतलब कि कैसे अपनी ये जो ट्रक है इसको ट्रेन के ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए ना गाइस यार देखो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ना अपने इंजन को मैं इधर खड़ा करूंगा और जो अपना ट्रक है ना उसको गाइस यार मैं ऊपर से घुमा के लाकर इसके ऊपर गिरा दूंगा, मतलब कुछ इस टाइप का होगा। ये काफी ज्यादा रिस्की है। चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं इंजन से बाहर आ चुका हूँ, तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। और इस टाइम पर ना गाइस ये जो काम है हमें जल्दी से जल्दी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से एक ट्रेन और आ जाए और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रैश हो जाए, और कहीं ऐसा भी ना हो कि हम लोग अपनी गाड़ी को उसके ऊपर रखाएं और जो दूसरी ट्रेन है वो तुरंत ही आ जाए, तो फिर तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ जाएगी। बाकी भी फिलहाल ट्रैवर यहीं पर रखा हुआ है, तो चलो अभी जल्दी से जो काम है ना मैं कर देता हूँ। वैसे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है बट हाँ आराम से करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई साहब ये ट्रक क्या यार, इतना ज्यादा वेट है ना इसके अंदर। तो चलो गाइस यार फाइनली जैसे तैसे करके मैंने अपने ट्रक को यहाँ पर कंट्रोल में लिया है, वरना यार ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मतलब यार समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार इसे लेकर कहाँ जाऊँ। यार मैं इसको ना यहाँ तक लेकर आ गया था, उसके बाद भी मेरे को बैक ले जाना पड़ा क्योंकि ये सीधा पलटने वाला था और नीचे जाकर गिरता, और साथ ही मतलब लेस्टर तो उसको चोट लगती, साथ ही अंदर फ्रैंकलिन बैठा ना उसका भी मुंह टूट जाता। तो चलो यार फाइनली मैं इसे यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ बस। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मुझे अपने ट्रक को ना बस थोड़ा सा आगे करना है और ये जो है यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से एडजस्ट जो है हो जाएगा। और फाइनली एकदम बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो गया है, आगे का जो थोड़ा बहुत एरिया ना वो डैमेज हो गया बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से अपना काम हो चुका है, ट्रक से बाहर निकलते हैं फटाफट से और यहाँ पर अपनी ट्रेन को लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी यार सच्ची में बहुत ही बुरी तरह मैंने उसको अटका दिया है, बाकी फ्रैंकलिन तो अपना वहीं पर बैठा हुआ है, मैं बैठ जाता हूँ सीधा इंजन के अंदर। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं तो इंजन के अंदर आकर बैठ चुका हूँ, फ्रैंकलिन जो अपना पीछे वाली गाड़ी में बैठा हुआ है। लेकिन यार आप लोग यहाँ पर ड्राइवर को देखो कहाँ पर आकर ये खड़ा हो रखा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर अपने पास इंजन है तो कोई भी डरने की बात नहीं है और इस रास्ते में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी ट्रेन को लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी मुझे पता है पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ट्रेन जो है मैं फास्ट चला सकता हूँ, बट हाँ ये है कि अगर इसे ज्यादा फास्ट चला दो तो ये डी मतलब की पटरी से भी उतर सकती है, गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के संभाल के चलाना पड़ेगा। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली हम लोग अपनी ट्रेन को लेकर उसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पर हम लोग पिछले दो दिन से छुपे हुए थे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं अभी हम लोग एकदम सेफली पहुंच जाएंगे लॉस सैंटोस। बट हाँ लॉस सैंटोस में जाकर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी यार देखो बैनी को तो मैंने कॉल करके बोल दिया है कि जल्दी से उसी जगह पर पहुंच जा, मतलब कि वो अपने पुराने वाले गैराज में बुला रहा है, वहीं पर ये जो गाड़ी है इसका गेट खोल के तोड़ के पता नहीं कैसे जो भी करेगा लेस्टर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश वो करने वाला है, तो उसको हमने बोल दिया जल्दी से वहां पर पहुंच जा क्योंकि अभी हमें पहुंचने में अब ज्यादा टाइम लगने वाला, आधा रास्ता ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं अपनी ट्रेन को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार एक सेकंड, अभी अभी अपनी ट्रेन ना गाइस यार मतलब कि डीरेल होते होते बची है, ये पटरी से उतर जाती क्योंकि मैं उसको बहुत तेज भगाता भगाता लाया हूँ। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इस रोड भी क्रॉस करा लिया, अभी ना गाइस यार मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ से बैनी का जो गैराज है वो भी पास पड़े और अपनी ये जो गाड़ी है ना मैं उसको आराम से उतार लूँ और किसी को मालूम ही ना पड़े। तो चलो यार अभी जल्दी से कोई वैसी जगह ढूंढ लेते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बैनी का गैराज ये वाला है और ये जो ट्रेन का ट्रैक है गाइस यार वो इसके मतलब ना थोड़ा एकदम बगल से होता हुआ तो नहीं जाएगा बट हाँ यहाँ से होता हुआ जरूर जाएगा और अभी हम यहीं पर है। तो चलो यार थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहीं पर मैं अपनी ट्रेन रोकूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी बैनी के गैराज में पहुंच पाऊँ क्योंकि बैनी जो है ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच गया काफी जल्दी। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी ट्रेन को लेकर यहाँ पर भी पहुंचने वाले हैं। बाकी तो यार अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेड लाइट थी, वरना एक आध बंदे की गाड़ी तो बहुत ही बुरी तरह ठुकती क्योंकि मतलब हमारी ट्रेन से कोई भी सिग्नल किसी को जा नहीं पा रहे होंगे। तो चलो यार फाइनली हम लोग यहां तक लेकर आ गए हैं। बाकी जो बैनी का शोरूम है वो एकदम सामने ही है तो मेरे को लग रहा है कि मुझे इसी वाले रोड पर रोक देनी चाहिए, बट अगर यहां पर रोकूंगा तो किसी ना किसी कैमरा में हम लोग आ जाएंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो एक काम करता हूं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, वहां पर बेसमेंट है, वहां पर अपनी ट्रेन रोकेंगे, इस गाड़ी को निकालेंगे और फटाफट से लेकर चलेंगे सीधा बैनी के पास। और फाइनली हम लोग बेसमेंट तक भी पहुंच चुके हैं, ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सारा काम एकदम चिल करके आराम से हो रहा है। बाकी ट्रेन मुड़ेगी तो ना चलो, मेरे को लग रहा था कहीं मुड़ ना जाए, तो चलो चलो बस 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 अभी बहुत आगे आ गई, इसे और आगे मेरे को नहीं ले जाना। ओ भाई 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 भाई, भाई नहीं नहीं नहीं, अभी गाइस यार ये ना पटरी से पलटते पलटते बची है। तो चलो फाइनली यहाँ पर भी लाकर मैंने इसे रोक दिया। बाकी चलो भाई ड्राइवर जल्दी से नीचे आ जाओ, अभी गाइस जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं इंजन से बाहर आ गया हूँ, तो चलो यार अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा पीछे वाले डब्बे पर। बाकी यार देखो ये जो ट्रेन है ना अभी सही से रुकी नहीं है, मतलब कि जो है ना थोड़ा पीछे रिवर्स में रह गई है, तो धीरे धीरे जो है ना ये हल्का फुल्का एकदम पीछे जाए जा रही है। बाकी यार ये देखो फ्रैंकलिन इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और उसने क्या ही कचड़ा कर डाला, मैंने एकदम सही तरीके से खड़ी करी थी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं अभी जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली
जैसे तैसे करके मैंने इसे आगे की तरफ में तो ऊपर चढ़ा लिया है। बाकी यार अगर ये एक बारी को पलट के भी नीचे गिर जाना, बस 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 यही मैं चाह रहा था। तो चलो फाइनली मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। और ये जो बाकी जो ट्रेन है ना गाइस, ये पीछे वाली रिवर्स पर मतलब एक आध की स्पीड में सेट हो गई है। और ये देखो ध्यान से देखो ना, ये धीरे धीरे पीछे जाए जा रही है। तो इसे जाने दो, भाड़ में जाए, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, हमें मतलब नहीं है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहाँ पर अपना ये जो ट्रक है इसको लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा बैनी के पास। बाकी यहाँ से ना मेरे को थोड़ी बहुत पतली गलियों का रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि पुलिस हमें ना ढूंढ पाए। तो चलो अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं राइट मोड़ता हूँ। पीछे की तरफ में ना एक पतली सी गली जा रही है, उसके अंदर से जाएंगे ना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ओके गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं इस प्रेजेंट ट्रक को लॉस सैंटोस की एकदम पतली पतली गलियों से लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा बैनी के गैराज में। बस मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेकर रोड पार करके सीधा जाना है और हम लोग पहुँच जाएंगे। तो भी जल्दी से यहाँ पर अपनी गाड़ी को ना मेरे को लेफ्ट लेना है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काम करता हूँ ये जो इसकी जाली है ना ये तोड़ दूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा आराम से निकाल लिया है, आखिरकार इसका मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्राइवर बन गया हूँ। मतलब इतनी पतली पतली गलियों में जब से चला रहा हूँ ना भाई, एकदम बढ़िया तरीके से मैं लेकर पहुँच चुका हूँ फाइनली बैनी के गैराज में। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर ना इसे थोड़ा सा मोड़ता हूँ और इसको ना थोड़ा बैक में एंट्री करवाएंगे ताकि बैनी भी आराम से रिपेयर करवाए। बाकी यार एक सेकेंड, ये देखो गाइस यार इस टाइम पर ना ऐसा लग रहा है कि बैनी ने अपने गैराज में कुछ मॉडिफिकेशन करवाई है। मतलब मॉडिफिकेशन नहीं करवाई, इसने गैराज को लग रहा है थोड़ा बहुत एक्सटेंड करवाया है। तो मतलब पहले इसका गैराज सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, बट अभी ना यहाँ पर इसने एक रास्ता और बनवाया है और राइट साइड में एक ऑफिस और है। तो अभी ना फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर अंदर चलकर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर तो शायद से बैनी नहीं है, तो जहाँ तक मुझे लगता है जो इसने नया वाला ऑफिस बनवाया है ना उसी के अंदर ये होगा। बाकी यार एक सेकंड, ये गैराज बैनी का है बट ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ये रेस्टोरेंट नहीं है। वैसे रेस्टोरेंट टाइप ही बैनी ने कुछ बना रखा है और ये लोग बेचारे सारे के सारे डर गए कि आखिरकार ये प्रिजन का गार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। टेंशन मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, इनको पता नहीं है कि ये माइकल है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल ये जो ऑफिस तो नहीं लग रहा है मेरे को, बट जो भी है काफी ज्यादा बढ़िया बना रखा है यहाँ पर प्ले स्टेशन वगैरह खेलने के लिए। तो अभी ना गाइस यार एक काम करता हूँ, ऊपर चलकर देखता हूँ क्योंकि बैनी ने जो काम करवाया ना अपने गैराज में बहुत ज्यादा मेरे को तगड़ा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी पैसा शोरूम से कमा रहा है वो सारा का सारा लाकर अपने गैराज में लगा रहा है और इसे भी शोरूम बनाने की कोशिश कर रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। बाकी तो यार ये देखो यहाँ पर ये है इसका मेन ऑफिस। बाकी यार यहाँ पर भी मेरे को ये नजर नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ जल्दी से ना मैं इससे कॉल करके पूछ लेता हूँ आखिरकार वो है कहाँ पर। बट एक सेकेंड, यहाँ पर ना नीचे की तरफ में एक फ्लोर और था, तो भी जल्दी से ना वहाँ पर चलकर देख लेते हैं, क्या पता वो वहीं पर बैठा हो। वैसे यार जहाँ तक मुझे लग रहा है वो नीचे ही होगा क्योंकि उसने जो बेसमेंट है ना बनवाई इसलिए है। तो वो देखो गाइस यार वो बैठा बैनी। और यहाँ पर कितना ज़्यादा बढ़िया एरिया यार, मतलब एक बार में 7-8 सुपर कार्स खड़ी करके आराम से मॉडिफाई करवाओ। बड़ा यार ये उतनी जगह है जितनी जगह अपने शोरूम में है मॉडिफिकेशन की। मतलब यार सच्ची में बैनी ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा करवा लिया सारा काम। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने बैनी को जो है पूरा का पूरा सीन बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ये जो गाड़ी है ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, प्रिजन वालों की कोई स्पेशल व्हीकल है जिसे हम चुरा कर लाए हैं और इसका जो गेट है वो नहीं खुल रहा है। बाकी यार इस टाइम पर ना बैनी तो फुल चोड़ में जा रहा है कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये आराम से उसे खोल देगा। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी हाँ यार ये गाड़ियाँ तो बहुत बढ़िया मॉडिफाई करता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है गेट तो इसके लिए कोई छोटी मोटी चीज़ ही होगी। बट हाँ यार ये जो गेट है ना मेरे हिसाब से कट के ही खुलने वाला है, बाकी यार पता नहीं क्या ही सीन है इसका। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैनी देख रहा है कि आखिरकार इस गाड़ी को जो है कैसे अनलॉक किया जाएगा। मतलब यार देखो ये जो काम है ना काफी ज्यादा रिस्की है, ऐसा भी सेटअप हो सकता है कि गाड़ी का जैसे हम लोग गेट खोलने की कोशिश करें गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी खुले और लेस्टर मर जाए। तो इसलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर वेट कर लेते हैं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर मैं खड़े होकर फ्रैंकलिन से बात कर रहा था और अभी अभी ना गाइस यार मेरे को यहाँ पर अंडर वाटर माफिया का कॉल आया है। और गाइस यार इस टाइम पर ना वो लॉस सैंटोस आया हुआ है और साथ ही मेरे को मिलने के लिए भी बुला रहा है किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्क को लेकर। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना जाकर उससे एक बार ही मिल आऊँ। बाकी इतना ज्यादा शोर कहाँ से आ रहा है मुझे सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो ओके गाइस यार ये देखो बैनी ना यहाँ पर लेकर आ चुका है सीधा लेजर ड्रिल और ये जो गाड़ी का गेट है उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। बट यार ये जो गेट है ना भाई अभी तक तो मेरे हिसाब से मेल्ट हो जाना चाहिए था, बट यार ये ना अभी तक टस से मस नहीं हुआ है, पता नहीं यार क्या सीन है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक ये गेट खुल रहा है तब तक मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पर ना अंडर वाटर माफिया से मिलकर आ जाता हूँ, पता नहीं यार क्या डील है क्या बात है। बाकी तो यार सबसे पहले ना मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी, सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है व्हाइट कलर की, जल्दी से उसे लेकर चलते हैं। बाकी यार उसने मेरे को मेरे ही घर के पास मिलने के लिए बुला रखा है। बाकी यार देखो उससे बढ़िया गाड़ी तो ये वाली है। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना अपने कपड़े भी बदल लेने चाहिए, बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी यार ये इतनी ज़्यादा प्यारी गाड़ी है, कम से कम इसका जो रूफ टॉप है वो तो खुला ही रहना चाहिए। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और अब जो है गाइस यार इसकी लुक ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाली है। तो चलो यार इसको ना जल्दी से लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। बट एक सेकंड, रूफ टॉप खुलने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं ना कहीं पुलिस वाले देख ना ले, क्योंकि अगर वो देख लेंगे ना प्रिजन गार्ड ये जा रहा तो मेरे को सबसे पहले पकड़ेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जो लास्ट हमने सीन करा था ना वो प्रिजन गार्ड की ड्रेस में करा था, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है।
जाती है, इसलिए ऊपर का जो टॉप है फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कवर ही कर लूँ, उसके बाद आगे चलूंगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पर जितने भी बंदे मेरे से डर किस ले रहे हैं मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, और गाड़ी वाड़ी भी आ रही है मेरे से डर के भाग रही है, भाई पता नहीं क्या सीन है। अभी जल्दी से मैं निकलता हूँ सीधा उसी जगह पर और देखते हैं आखिरकार क्या ऐसा सीन हुआ और क्या न्यूज़ आई है जो सारे बंदे मेरे को देख के ना डर के भाग रहे हैं। देखो जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ ना बंदे ऑटोमेटिकली डर जा रहे हैं, अभी फिलहाल ये लोग नहीं डर रहे। चलो ठीक है, यहाँ के मोहल्ले ने कम न्यूज़ देखी है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे अंडरवाटर माफिया ने मिलने के लिए बुलाया था। और गाइस यार ये तो एक बहुत ही तगड़ा शोरूम है कार्स का, जिसके अंदर यार एक से एक बहुत तगड़ी तगड़ी लग्जरी कार खड़ी हुई है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर मेन गेट पे तो कुछ ज्यादा ही भीड़ हो रही है, मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना यहाँ से मैं पीछे लेकर चलता हूँ, वहां पर ना गाइस यार एक एंट्रेंस हो रहा है उससे अपनी गाड़ी को ना अंदर लेकर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर ये गैराज है या फिर पार्किंग है पता नहीं, अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं और यहीं पर पार्क कर देते हैं। वैसे एक गैराज है, तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं कि आखिरकार ये जो शोरूम है कैसा है। मतलब यार पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ वैसे शोरूम है और गाड़ियां ही खड़ी होगी, लेकिन यार यहाँ पर तो साथ के साथ काफी तगड़ा गैराज भी बना हुआ है और गाड़ियों की मॉडिफिकेशन भी चल रही है। और ये अपनी रोल्स रॉयस फैंटम जिसको इन्होंने बहुत ही बेकार मॉडिफाई करा है, इतना घटिया कलर है ना मैं क्या बताऊं। अपना बैनी जो है वो अच्छी मॉडिफिकेशन करता है और सामने की तरफ में खड़ी हुई है लंबोर्गिनी सियान, राइट साइड में लंबोर्गिनी रेवेंटन या फिर पता नहीं कौन सा मॉडल है, ये अपनी फरारी है, और भी भाई सब काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, लंबोर्गिनी टायर्स और लंबोर्गिनी उरुस। मतलब यार देखा जाए ना तो मैक्सिमम बहुत महंगी महंगी कार्स जो है वही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी यार ये पता नहीं कौन सी कार है, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ शायद से। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर शोरूम के अंदर तो आ चुके हैं। बाकी यार लेफ्ट साइड में कितना ज्यादा बड़ा ऑफिस यार इन लोगों ने बना रखा है, बट हाँ अभी ये सीन है कि ऑफिस में कोई भी बंदा नहीं है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर जो मेन बॉस का रूम है जहाँ पर अंडरवाटर माफिया होगा शायद से अंदर ही होगा, वरना उससे कॉल करके तो मैं पूछ ही लूंगा। तो चलो गाइस यार देखो वो अंदर ही बैठा हुआ है, इससे बात करते हैं देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर अंडरवाटर माफिया से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि बिग माफिया का भाई और ये मिलकर ना अब लॉस सैंटोस में कार्स का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए ना इन लोग को बैनी चाहिए। मतलब कि यार ये लोग चाहते हैं कि जितनी भी इनकी कार्स की मॉडिफिकेशन है वो सारी की सारी बैनी कर दे, बट यार ये तो अपने साथ धोखेबाजी हो जाएगी क्योंकि फिर अपना कार का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मैंने इसको बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, बट हाँ यार जो भी है इनका शोरूम कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, इतना भी ज्यादा तगड़ा नहीं, अपने से बड़ा शोरूम तो नहीं है, बट हाँ इनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। मतलब कि पहले ही दिन में मेरे को लग रहा है इनकी काफी सारी कार्स जो है बिक चुकी होगी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि गाइस यार अभी ना मैं इससे पूरी बात नहीं कर पाया, मेरे को बैनी का कॉल आ गया और गाइस यार बैनी कह रहा है कि वो जो गाड़ी का डोर है वो दोनों खुल चुके हैं। तो अभी जल्दी से चलते हैं लेस्टर से मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, लेस्टर ठीक है या फिर नहीं। तो चलो यार अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा बैनी के गैराज में। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा बैनी के गैराज में पहुंचने वाला हूँ, बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट लेना है। बाकी यार देखो पतली स्ट्रीट में गाड़ी ड्राइव कर करके ना मेरी ड्राइविंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है और फाइनली यहाँ पर मैं बैनी के गैराज में पहुंच चुका हूँ, बस मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलना है और देखते हैं कि आखिरकार लेस्टर सही हालत में है या फिर नहीं है। अगर सही हालत में होगा ना तो भाई साहब हम लोग ना अभी के अभी प्लान बनाएंगे इन लोग का मुंह तोड़ने का एफआईबी वालों को। मतलब कि यार देखो डगन को भी तो कूटना ही है बट एफआईबी वालों को कूटना ज्यादा जरूरी है। बाकी तो यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो दोनों गेट इसने बाहर निकाल दिए हैं और लेस्टर की हालत भी काफी ज्यादा खराब लग रही है। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस यार लेस्टर कह रहा है कि अब ना ये कभी भी पहले की तरह नहीं चल पाएगा क्योंकि उस एक्सीडेंट में ना गाइस इसकी दोनों की दोनों टांगे जो है खराब हो गई है और इसके लिए ना गाइस यार अभी हमें व्हीलचेयर लेनी पड़ेगी। बाकी तो यार लेस्टर कह रहा है कि कुछ भी मामला अभी ठीक नहीं हुआ है, हो सकता है कभी भी एफआईवी वाले हमारा पता कर हमारे ऊपर अटैक करने आ जाए, तो इसीलिए ना गाइस यार लेस्टर कह रहा है कि एक सीक्रेट बेस और है, अभी इसको ना वहां पर लेकर चलना है और उसके बाद हमारे पास कोई भी छुपने के लिए जगह नहीं है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल इसने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को यहीं पर रुकने के लिए बोला है। अभी जल्दी से ना गाइस यार एक काम करता हूं, सबसे पहले ना अपनी गाड़ी को मैं ऊपर से कवर कर लेता हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए और फटाफट से वहां पर चलेंगे, देखते हैं क्या सीन है। लेस्टर कह रहा है कि मुझे वहीं पर छोड़ो, उसके बाद ये पता करता है क्या सीन है क्योंकि गाइस यार लेस्टर को ना मतलब कि उसने बैनी का मोबाइल चेक करा था और उसे इतना पता चला है कि एफआईबी वाले ने जो है ना हम लोग को पकड़ने के लिए ना बहुत ही तगड़ी टीम बुला रहे हैं जो कि इस कंट्री की नहीं है दूसरी कंट्री की है, उस टीम के अंदर ना बहुत तगड़े रेसर्स हैं जो कि अपनी गाड़ियों को लेकर हमें जो है मतलब चेस करके पकड़ के डाउन करेंगे। बट कोई दिक्कत की बात, जब तक लेस्टर अपने साथ है तब तक कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पर जहां पर मुझे लेस्टर ने जाने के लिए कहा था, बस मुझे इस वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट लेना है। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना सच्ची में एकदम ओपी है और लो गाइस फाइनली यहां पर इसके आगे डेंट आ गया, तो लेस्टर ने मुझे यहीं तक आने के लिए कहा था। उसके बाद यार देखो लेस्टर ने घर तो मेरे को बता दिया है, अभी जल्दी से उसके अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार कैसी जगह है और वो जो सीक्रेट बेस है आखिरकार कैसा है। तो चल भाई लेस्टर जल्दी से आ जाए, कहां पर रह गया, इसने मेरे को तो यहीं पर आने के लिए बोला था। ओके ओके ओके, इसकी हालत गाइस यार काफी ज्यादा खराब है ना, इसलिए यार ये बिल्कुल भी सही से चल नहीं पा रहा है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फिलहाल इसको ना एक बारी
आ जाने देते हैं अंदर की तरफ में। इससे मैं पूछ लेता हूँ कौन सा वाला घर है, जल्दी से वहीं पर चलते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर ने मेरे को घर तो बता दिया है। वो कह रहा है कि आगे जाओगे सामने की तरफ में तुम्हें स्टेयर्स दिख जाएगी, उसी घर के अंदर हमें जाना है। मतलब कि यार ये जो घर है ना, ये बेलास गैंग का जो अड्डा है ना उसके एकदम जस्ट पीछे वाला घर है, ताकि यार जितने भी पुलिस वाले हैं ना उन सबका शक जो है हमारे ऊपर ना आए। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ, बाकी लेस्टर भी अपना जो है भाग कर आ रहा है जैसे तैसे कर कर। इसके लिए ना गाइस हमें जल्दी से जल्दी व्हील चेयर लानी पड़ेगी, वरना यार ये बिल्कुल भी सही से नहीं चल पाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं, ये जो इसका घर है ना पूरा का पूरा बेसमेंट में है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं यहाँ पर नीचे उतर कर देखता हूँ आखिरकार कैसा इसका सीक्रेट बेस है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो फिलहाल ये वाला जो गेट है ना इस टाइम पर लॉक हो रखा है। एक काम करता हूँ, पहले लेस्टर को आने देते हैं, उसके बाद ही अंदर चलेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेसन ने जो है पिन कोड डाल के ये वाला गेट खोल दिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहाँ पर अंदर चलते हैं और देख कर आते हैं कि आखिरकार लेस्टर का ये वाला सीक्रेट बेस कैसा है। वैसे यार देखने में तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट ये मेरे को कहीं से भी सीक्रेट बेस नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है लेस्टर यहाँ पर पार्टी शार्टी करने के इरादे से आया है। बाकी यार यहाँ पर ओके, तो ये एक स्टूडियो है जहाँ पर शायद से गाने वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, पता नहीं यार क्या सीन है। लेस्टर ने ये कैसा बना रखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके तो ये देखो, ये मेन एरिया है जहाँ पर बंदा गाना गाता, बट कोई नहीं, अभी जल्दी से बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। मतलब ये जगह मेरे को कहीं से भी सीक्रेट बेस नहीं लग रही। तो गाइस यार एक तो ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार लेस्टर बाहर क्या कर रहा है। मतलब कि मैं इतनी देर से अंदर आ गया और लेस्टर अभी फिलहाल मेरे को बाहर भी नहीं नजर आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां से ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया हो, बट यहां पर तो और कहीं पर भी जाने का रास्ता है नहीं, क्योंकि यहां पर कोई भी स्टेयर्स नहीं है। और ये जो घर है ये एक फ्लोर का ही है और लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा है। तो जल्दी से यहां पर अंदर चलकर देखते हैं। ओके तो यहां पर बाहर लिखा है ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। और गाइस यार यहां पर ना लेस्टर ने एक बहुत तगड़ी टनल बनवा रखी है, और ये टनल कहां पर जा रही है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहां पर अभी फिलहाल ये वाला गेट तो लॉक है, तो पता नहीं ये लेस्टर ने कैसे लॉक कर रखा है, बट हां वो इसके अंदर नहीं गया होगा। एक बार रुको मैं बाहर चलकर देख लेता हूं, क्योंकि इस तरफ में शायद से एक रास्ता। हां तो ये देखो यहां पर गाइस यार एक रूम हो रहा है और इसके अंदर से किसी के कीबोर्ड पे टाइपिंग करने की आवाज आ रही है। तो गाइस यार देखो यहां पर बैठा हुआ है लेस्टर, तो अभी जल्दी से इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है जो पुलिस वाले हमारे साथ करना चाह रहे हैं। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस यार लेस्टर कह रहा है कि जब एफआईबी ऑफिसर से अरेस्ट करा था तो उनमें से किसी एक एफआईबी ऑफिसर का जो वॉकी टॉकी है वो लेस्टर ने चुरा लिया था। अब वॉकी टॉकी के थ्रू ना सारे के सारे एफआईबी ऑफिसर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उनमें से एक हमारे पास है जिसकी वजह से हम लोग उनकी सारी की सारी बातें सुन पा रहे हैं। तो गाइस यार एफआईबी ने फॉरेन कंट्रीज से कुछ स्पेशल टीम बुलाई है हम सबको अरेस्ट करने के लिए। वो लेस्टर कह रहा था कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, हमें उन टीम को अपने शहर में एंटर होने से पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि गाइस यार अभी ना उनके साथ उनकी खुद की सिक्योरिटी तो है ही, साथ में एफआईबी वालों की भी सिक्योरिटी उनके साथ है, और जो लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी पूरा का पूरा उनके साथ जा चुका है। बट यार अभी ना उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं, सीधा फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी जाकर ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि अभी लेस्टर कह रहा है कि यहां पर वापस मत आना, क्योंकि ऐसा सीन है भी लेस्टर पूरा यहां पर सेफ रहना चाहता है। अगर हम लोग बार बार यहां पर वापस आएंगे तो फिर ये जगह सीक्रेट नहीं रह जाएगी अगर कोई और देख लेगा। बाकी यार मैं आया किधर से था? ओके तो ये वो रास्ता है, देखो यार मैं खुद भूल गया मैं कहां से आया था, शायद से ये वो जगह नहीं है जहां से मैं आया था, बट कोई नहीं यहां से मैं बाहर आ चुका हूं, यहीं कहीं पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, तो हां ये वो जगह है जहां से मैं गया था, बट कोई नहीं। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर निकलते हैं सीधा ट्रेवर और फ्रैंकलिन के पास, और जल्दी से उनको भी सारी की सारी स्टोरी बताते हैं कि क्या करना है। और लेस्टर कह रहा है कि बस वो अभी हमें थोड़ी देर में कॉल करेगा और पूरा का पूरा प्लान हमें एक्सप्लेन करेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा बैनी के गैराज में पहुंचने वाला हूं। बस मुझे अपनी गाड़ी को इस वाले कट से हल्का सा लेफ्ट लेना है, बाकी यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो मैंने कितनी ज्यादा तगड़ी ड्रिफ्ट मारी थी। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग यहां पर बैनी के गैराज में पहुंच गए हैं। अभी जल्दी से ना गाइस यार यहां पर मैं ट्रेवर को बाहर बुला लेता हूं, और अभी ना मेरे को यहां पर लेस्टर का भी कॉल आया था। लेस्टर कह रहा है कि जल्दी से वहां से निकल लो, उसने ना हमें एक लोकेशन दिया, हमें वहां पर जाकर खुद ही पूरे को पूरा ना सीन समझ के अटैक उनके ऊपर करना है। मतलब कि जो मेन बंदे दूसरी कंट्री से आए हुए हैं ना हमें मारने के लिए, हमें उन बंदों को वहीं पर ढेर कर देना है। बाकी फ्रैंकलिन और ट्रेवर वगैरह कहां पर चले गए? ओके तो ट्रेवर और बैनी तो अपना वहीं पर खड़े हुए हैं, बट मेरे को फ्रैंकलिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलो अभी ना जल्दी से ट्रेवर को मैं अपने साथ लेकर चलता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने ट्रेवर को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है, और साथ ही मैंने फ्रैंकलिन को भी कॉल करके बोल दिया है कि जल्दी से वो उस लोकेशन पर पहुंचे, और वो जो लोकेशन है ना गाइस मैंने उसे दे दिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से वहां पर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बाकी भी एम्यूनेशन की शॉप से ना मुझे कुछ वेपन्स भी खरीदने हैं और साथ ही अपने लिए एक आर्मर भी खरीदना है। तो चलो यार कोई नहीं, अभी जल्दी से मैं गाड़ी में आ चुका हूं, और ये ट्रेवर कहां रह गया? तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर जो अपना भाग कर आ चुका है बाहर की तरफ में, तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूं सीधा एम्यूनेशन की शॉप पर, ताकि हम लोग अपना आर्मर और कुछ ढंग के वेपन्स खरीद के पहन पाए। वैसे अगर देखा जाए तो क्लोजेस्ट एम्यूनेशन शॉप यहां से सीधा जाकर ही है, तो मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी
गाड़ी को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा वाइनवुड हिल्स और आगे की तरफ में ना गाइस सारे कॉम्बिनेशन की शॉप है, तो जल्दी से वहां पर चलते हैं। उसके लिए मुझे अपनी गाड़ी को ना सबसे पहले यहाँ पर राइट में मुड़ना पड़ेगा और वो जो कॉम्बिनेशन की शॉप है वो सामने की तरफ में आ गई। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं। बाकी यहाँ पर पुलिस कहाँ से आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। तो चलो चली गई पुलिस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करता हूँ और फटाफट से चलते हैं हम लोग सीधा कॉम्बिनेशन की शॉप के अंदर और बढ़िया बढ़िया ऐसी गन्स जो है अपने लिए खरीद लेते हैं। वैसे मेन इस टाइम पर गन्स नहीं है, गन्स हमारे पास ऑलरेडी है, मेन हमें ना एकदम बढ़िया सा आर्मर चाहिए। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आर्मर है ये हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो लड़ाई है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से चलकर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बाकी यहाँ पर इस भाई साहब ने अपनी गाड़ी में लाकर गाड़ी ठोक दी है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इसका भी मत्था हमने ठोक दिया है। अभी फटाफट से जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेते हैं, अगर इससे पहले की पुलिस आ जाए तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो चलो भाई अभी फटाफट से मैंने अपनी यहाँ से गाड़ी ले लिया है और जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलता हूँ सीधा उसी लोकेशन पर जहाँ पर हमें लेस्टर ने जाने के लिए कहा था। बड़ा लेस्टर ने कहा था कि अटैक करने से पहले एक बार उसे वहाँ का जो मतलब की फोटो है वो भेज देना, ताकि उसे भी मालूम पड़े कि आखिरकार कितनी ज्यादा सिक्योरिटी और क्या सीन है। तो चलो यार अभी जल्दी से वहीं पर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर हमें उस बंदे की लोकेशन जो है मिली थी। तो वो जो सामने की तरफ में आप माउंटेन देख पा रहे हो ना, हमें सीधा उस माउंटेन के टॉप पर जाना है और इस माउंटेन के टॉप पर आज से पहले मैं एक बार ही गया था। तो यार ये सच्ची में ना काफी ज्यादा ऊंचा है और इसके ऊपर जाने में ना हालत खराब होने वाली है। मतलब कि अगर अपने पास एक बाइक होती तो ज्यादा बेटर रहता, बट अभी ना फिलहाल अपने पास एक कार है तो थोड़ी बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो माउंटेन है इस पर गाड़ी जाने का रास्ता है ही नहीं, पैदल पैदल जाना पड़ता है। बट हाँ कोई नहीं, आराम आराम से चलाएंगे तो बहुत प्यार से पहुंच जाएंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर इस वाले माउंटेन के काफी ज्यादा ऊंचाई पर तो पहुंच चुका हूँ, बट यार अभी मेरे को और भी ज्यादा ऊपर जाना है। मतलब कि ये जो आप देख पा रहे हो ना चाहिए, ये सारी की सारी मेरे को कवर करनी है और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका हूँ, तो शायद से मुझे भी ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और रह रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। बट अभी धीरे धीरे चलाते हैं और फाइनली हम लोग अपनी उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो लेस्टर ने हमें कहा था डायरेक्ट हमें उस जगह पर नहीं जाना, पहले दूर से ना उस जगह की एक फोटो खींचकर भेज देनी है कि आखिरकार सीन क्या है, सिक्योरिटी कौन सी है, सब कुछ। तो अभी जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं आगे चलकर देख लेता हूँ, बाकी काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड तो खड़े हैं। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपने मोबाइल के कैमरे से चेक कर लेता हूँ आखिरकार सामने की तरफ में कितनी सिक्योरिटी है। वैसे यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो उस तरफ में तो काफी सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं और ये ना ही मेरे को FIB के लग रहे हैं ना ही मेरे को मिलिट्री वाले लग रहे हैं, इनकी ड्रेस यार एकदम अलग सी, और दो ट्रक भी हैं सामने की तरफ में, बट जो भी है ज्यादा सीन तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी जल्दी से ना यहाँ पर मैं एक इमेज कैप्चर कर लेता हूँ और जल्दी से ये जो है मैं लेस्टर को सेंड कर देता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये जो फोटोज है मैंने लेस्टर को सेंड तो कर दिया है, बाकी यार लेस्टर कह रहा है कि ये जो सिक्योरिटी है ना हो सकता है बहुत ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि यार ये ना अपनी कंट्री की नहीं है, ये सारी की सारी दूसरी कंट्री से आई है। तो यहाँ पर लेस्टर कह रहा है जितना हो सके दूरी दूर से ना ये सबको चुपचाप निपटा दो। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी स्नाइपर तो निकाल लिया है, बाकी यार यहाँ पर सबसे पहले मैं किसको करूँ मारूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर एक बंदे को मैंने मारा, सामने से काफी सारे बंदों ने हमें देख लिया है, बट यार ये सारे के सारे एकदम भागते हुए आ रहे हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर इन सबको ना गाइस अभी बहुत ही बुरी तरह मैं मारने वाला हूँ। पीछे की तरफ में जो बंदे खड़े थे यार उनके तो लग नहीं रही और अभी तक उनको पता ही नहीं चला है सीन हुआ क्या है, बट अभी फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे ना गाइस उन सबका दिमाग एकदम भड़क चुका है और ये सारे के सारे ना भागकर हमारे पास आ रहे हैं हमें मारने के लिए। तो अभी जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना थोड़ा सा दूसरा रास्ता मेरे को पकड़ना पड़ेगा वरना सारा सीन खराब कर डालेंगे। वो देखो एक बंदा उधर से भी आ रहा है, बट कोई नहीं। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल बस मुझे आगे जाकर ना काफी सारे बंदे मारने पड़ेंगे और एक बंदे को देखो भाई साहब पूरा राइट से घूमकर आ गया था और अभी फिलहाल इसको एकदम रखकर बचा दिया है और गाइस यार ये ना अभी बहुत ही बुरी तरह नीचे जाने वाला है। इधर एक के बाद एक काफी सारे बंदे आ गए हैं और अभी इनमें से कोई भी बचने नहीं वाला, अपने साथ ट्रेवर भी है तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। और ये देखो ये दूसरी कंट्री के जो सोल्जर थे ना हमारे आगे ज्यादा देर नहीं टिकने वाले। अभी जल्दी से मैं अपनी AK-47 बाहर निकालता हूं और यहां पर नीचे से भी कोई बुलेट्स तो मार रहा है बट पता नहीं चल रहा। अच्छा ये भी है, तो चलो अभी फिलहाल यहां पर मैंने इसको भी मार दिया है। एक बंदा ये था ये भी गया, बाकी ना गाइस देखो अभी ना फिलहाल अपनी स्नाइपर असली काम आने वाली है, एक एक गोली में सारे बंदे अब जाने वाले हैं। ये देखो एक बंदा ये बैठा इसका, ओके तो इसको किसने मारा, अच्छा ट्रैवर भी यहाँ पर रख रख के बजा रहा है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे ना गाइस मेरे हिसाब से सारे मारे जा चुके हैं और पुलिस को भी आने में ना यहाँ पर ज्यादा देर लगेगी नहीं। तो अभी जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो इनका मेन प्लान है ना वो कैंसिल करवाकर यहाँ से निकलता है, तो ये लोग यहाँ पर बैठकर अपना मेन डील कर रहे थे। तो अभी जल्दी से हम लोग ना ये जो रूम है इसके अंदर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से आगे चलते हैं और इस वाले रूम के अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है और ऐसे कौन से बंदे हैं जिन्हें दूसरी कंट्री से बुलाया गया है वो भी हमें मारने के लिए। पहले तो यार यहाँ पर इन सब बंदों को मैं निपटा डालूं वरना ये कुछ ज्यादा ही हमारा दिमाग खराब करते रहेंगे। बाकी यार एक चीज को देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, मतलब कि यार हमें ना अपनी कार को ऊपर लाने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई और ये लोग अपना यहाँ पर यार पूरा का पूरा ये जो दो दो ट्रक लेकर आए हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा तगड़ी तगड़ी सुपर कार लोडेड है और ये जो सुपर कार है ना शायद से वो इन्हीं बंदों के लिए है जो कि दूसरी कंट्री से आए हैं। बाकी यार वो अंदर वाले रूम में तो है, बट कोई नहीं बेटा तेरे को तो मैं अंदर ही आके मारूंगा, मेरे ऊपर वो एम करके
के बैठा हुआ है कि जैसे ही मैं अंदर आऊंगा वैसे वो मेरे को मार देगा, बट यार वो ना हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। बाकी यार इस वाले ट्रक के अंदर यहाँ पर एक में तो लैम्बोर्गिनी SVJ63 है और दूसरे वाले में ये मेरे को पता नहीं क्यों मस्टैंग GT लग रही है। बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब तो फालतू की बातें होगी। अभी ना गाइस यार जल्दी से हम लोग इस रूम के अंदर चलते हैं और वो जो बंदे को इन्होंने दूसरी कंट्री से बुलाया ना हमें मारने के लिए, उस बंदे को ना गाइस यार पकड़कर हम लोग ले जाएंगे, अपने नीचे काम करवाएंगे और उल्टा FIB वाले बंदों को इनसे मरवाएंगे। तो ये देखो सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, मैं चाहूं तो अभी के भी इसे मार दूं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर ये जो गेट है ये कब बंद होगा? बंद होती थी ऐसे की तैसी भाई साहब, ये ऐसे का ऐसे ही टिका रह गया। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर फाइनली ट्रेवर ने उस साइड से आकर ये वाला जो गेट है वो खोल दिया है और उसने अंदर से ना गाइस यार मेरे यहां पर एक आध बुलेट बजा दिया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना जल्दी से सबसे पहले मैं ये वाला गेट जो खोल देता हूं। वैसे यार उसे ना मैं इस तरीके से नहीं मारूंगा, एक बढ़िया सा ना पहले मैं हथियार निकाल देता हूं जिससे कि मैं उसे एक ही बार में बेहोश कर पाऊं और अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाऊं उसको। भाई मैं जिंदा नहीं मारना चाहता, बंदे जो है अपने ही काम आने वाले हैं। तो चलो गाइस यार ये है वो बंदा, निकल यहां से। एक ही बजा है बेचारे के सर पर, बेहोश हो गया क्या? नहीं नहीं बेहोश तो नहीं होने वाला, निकल तेरी भैंस की। तो चलो अभी फिलहाल ये बेचारा अकेला हुआ था और यहां पर इसका दोस्त भी, ओ भाई बजा दी भाई इसने तो बड़ी खतरनाक। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा हुआ कि अपने पास आर्मर था जो हम बच गए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर इस बंदे को मारने के लिए मैंने अपने हाथ में जो है नाइफ ले लिया है। वैसे यार मैं इसे मारने नहीं वाला, मैं सीधा जाते ही ये जो नाइफ है ना इसके पैर में बजा कर इसे बेहोश कर दूंगा। वैसे यार एक सेकंड, वो जो बंदा है गाइस यार अभी तक तो यहीं पर था बट अभी ना फिलहाल वो इस वाले रूम में मेरे को नजर नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ना पीछे वाली विंडो से निकलकर भाग गया होगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि यार ये जो विंडो है ना ये पूरी की पूरी खुली पड़ी है, बट यार वो इतनी जल्दी कहां ही भाग कर जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। यहां पर ओके, तो गाइस यार अभी अभी बाइक गई और वो देखो वो जो बंदा यार एकदम आंख होके आगे से ही निकलकर चला गया, वो जा रहा बाइक से। अभी ना फिलहाल इसके मैं एकदम मस्त बजाने वाला हूं। यार एक शॉट तो इसके पड़ी गया और बेचारे का एक्सीडेंट ही हो गया। वाह भाई बहुत तेजी में भागने जा रहा था। बाकी अभी ना फिलहाल यहां पर इसने गन निकाल दिया है और एक शॉट तो मैंने इसके बजा दिया है। अब गाइस यार अगर पड़ गया ना ये सीधा खाई में ही जाने वाला है, बाकी जान तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है, बट निकल यहां से। तो चलो गाइस अभी एक शॉट इसके और पड़ना है और बस ये खाई में जाएगा। वैसे छोड़ो इसको यहीं पर रहने दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वरना ज्यादा ही बुरी तरह मौत हो जाएगी इसकी। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से यहां पर हम लोग एक एक मतलब कि एक एक ट्रक जो है लेकर यहां से निकल लेते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहां पर आ जाए। वैसे भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं पुलिस को आने में, भी फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर को भी आने के लिए बोल देता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर जो अपना ट्रक है उसका पीछे वाला जो ट्रंक है उसे तो मैंने लॉक कर दिया और साथ ही ड्राइवर भी अपने ट्रक के अंदर आकर बैठ चुका है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इस ट्रक को लेकर मैं यहां से निकल लेता हूं। वैसे यार इसको ड्राइव करना ना सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर हल्के से भी मिस्टेक हुई ना तो ये जो अपने ट्रक है वो सीधा नीचे खाई में जाने वाले हैं। अच्छी बात तो यह है कि अपने पीछे भी तक पुलिस नहीं पड़ी, क्योंकि फिर पुलिस आ गई ना तो फिर हमें कोई दूसरी गाड़ी लेकर यहां से भागना पड़ेगा। बाकी यार अपने से सही तो ड्राइवर है, वो ट्रक को एकदम शॉर्टकट रास्ते से ले गया और यहां पर मैं सही रास्ते के लिए जाने के चक्कर में यहीं का यहीं रह गया हूं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपने ट्रक को भी एकदम सेफली नीचे लेकर चलते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी यार इधर तो ब्रेक लगने का नाम ही नहीं ले रही और वो देखो ड्राइवर का ट्रक आगे जाकर पलटा हुआ है, कोई नहीं इसे भी सीधा करना पड़ेगा अपने ट्रक का यूज करके। बाकी यार वो देखो ड्राइवर ट्रक से ही बाहर आ गया। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर जैसे तैसे करके मैंने ड्राइवर का ट्रक जो है यहां पर सीधा कर दिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपने ट्रक को लेकर यहां से निकल लेते हैं। मेन पता है दिक्कत क्या है, हम लोग अपने ट्रक को यहां पर आराम से उतार ले, लेकिन ये जो सामने की तरफ में पत्थर आ रहे हैं ना इनसे बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर यहां पर हाईवे पर पहुंचने वाला हूं और पूरे के पूरे रास्ते में यार सच्ची में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। मेन दिक्कत इन पत्थरों ने करी है, बट फाइनली जैसे तैसे करकर हम लोग अपने ट्रक को यहां पर लेकर पहुंच चुके हैं। बट यार अभी ना फिलहाल हमने बहुत बड़ी गलती करी, हमें ना इन ट्रक को नहीं लाना चाहिए था, उससे बढ़िया जो इसके अंदर गाड़ियां है ना डायरेक्ट वो निकाल कर ले आते। तो पहले एक काम करता हूं यहां पर ट्रेन को जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पर ना इसके अंदर से गाड़ियां निकालेंगे और उन गाड़ियों को लेकर हम लोग जाने वाले हैं सीधा लॉस सैंटोस। और बाकी तो अभी ना फिलहाल मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि ट्रेवर कहां पर रह गया। और लो गाइस यार फाइनली यहां पर ट्रेवर भी अपने ट्रक को लेकर आ चुका है। तो चलो अभी जल्दी से मैं अपने अपने ट्रक को साइड कर लेता हूं ताकि ट्रेवर भी अपने ट्रक को लाकर यहां पर साइड में खड़ा कर दे। वैसे यार देखो मैं तो एकदम बढ़िया तरीके से ले आया, बट उसके ट्रक की हालत ना एकदम खराब हो गई है। तो चलो यार अभी जल्दी से दोनों ट्रक के अंदर जो जो गाड़ियां हैं सारी बाहर निकालते हैं और इनको लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर लेकर आया था उसकी गाड़ी में यहां पर मैं आकर बैठ चुका हूं, क्योंकि इसके ट्रक में थी मस्टैंग GT जिसे चलाने का मेरा बहुत ज्यादा मन था। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल जल्दी से मैंने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया है और जिस ट्रक को मैं लेकर आया था उसके अंदर थी लैम्बोर्गिनी SVJ63 जो कि ड्राइवर अपने साथ साथ लेकर आ रहा है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इस गाड़ी को लेकर मैं यहां से नीचे उतारता हूं। बाकी तो यार ये जो गाड़ी है ना सच्ची में बहुत ज्यादा तेज चलती है और इसका साउंड भी आप सुन पा रहे हो बाकी कार से ना पूरा अलग है, मतलब कि जैसे कार्स में एकदम बेस आता है ना इसमें वो चीज नहीं आती, इसका साउंड एकदम डिफरेंट है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इस गाड़ी को लेकर मैं निकल लेता हूं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बैनी से इसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा लेंगे ताकि कोई भी इस गाड़ी को पहचान ना पाए, और जहां तक मुझे लगता है मतलब ये पता है ये जो गाड़ियां हैं मेन उन्हीं बंदों के लिए आई थी जिन बंदों को हमें मारने के लिए बुलाया गया था। बाकी यार एक सेकंड ड्राइवर के आने का वेट कर लेता हूं, पता नहीं वो कहां रह गया है।
तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरी वाली गाड़ी में भी थोड़ा बहुत डेंट आ गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, ड्राइवर भी यहाँ पर आ चुका है। जल्दी से चलते हैं सीधा लॉस एंटोस बैनी के पास और यहाँ पर चेक करते हैं कि आखिरकार ये जो गाड़ी है इसकी मैक्स स्पीड कितनी जाने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना गाइस यार, ये मतलब एकदम सुपर फास्ट कार है। अगर देखा जाए एक मस्टैंग होगी और ये अपनी लैम्बोर्गिनी SUJ 63, ये दोनों की दोनों गाइस यार बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं और साथ ही ये तेज तो है ही बट इसके कंट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा लॉस एंटोस। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 8 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब कर देना और हाँ यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो चलो गाइस आज के वाली वीडियो नहीं मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।